भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी पूजा वस्त्राकर ग्वालियर पहुंची। यहां उन्होंने एमपीसीटी ग्राउंड पर पहुंचकर क्रिकेट एकेडमी के बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बच्चों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक भी किया। पूजा ने छात्रों से कहा कि खिलाड़ी बनने का पहला कदम है खुद को फिट रखना, इसके लिए सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इस दौरान पूजा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विनोद शर्मा ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी पूजा वस्त्राकर आज ग्वालियर में है और खासकर ग्वालियर में उनका एक संदेश भी है बच्चों के लिए कि जो 15 से 18 साल की बच्चों का टीकाकरण हुआ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भाग लेना चाहिए। बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। मैं बात करता हूँ पूजा से। पूजा, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट चैनल पर। अब हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्यों लगता है कि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे खेल की भावना होगी और वैक्सीनेशन ज़्यादा ज़रूरी है? सर, जैसे देखा जाए कि वैक्सीनेशन हमारे लिए भी इतना इम्पोर्टेंट था, अगर केसेस अगर आज थोड़े से ब्रेक डाउन हुए हैं तो मे बी वैक्सीनेशन के ही कारण। तो हमारे बच्चे जो अभी सरकार ने जो नया लॉन्च किया है तो उनका भी वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में जो थर्ड वेव है वो आ चुका है, तो उसके लिए वैक्सीनेटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। ग्वालियर में भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी गर्ल्स क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रख रही हैं आजकल। कितना बड़ा फ्यूचर है क्रिकेट को लेकर अगर बात करते हैं खासकर गर्ल्स के लिए? आने वाले टाइम पे देखिए, अभी महिला आईपीएल होने वाला है, प्लस T20 के मैचेस बहुत ही बढ़ा दिए गए हैं। इंटरनेशनल जो पहले सीरीज़ है, हम साल में 2-3 सीरीज़ खेला करते थे, तो अब ICC ने ये लागू किया है कि जो हर कंट्री है वो साल में कम से कम 8 सीरीज़ ज़रूर खेलेगी। तो 8 सीरीज़ खेलेगी तो मैचेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो मैचेस अगर बढ़ चुके हैं तो वुमेंस के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि जितने मैचेस होंगे उतने ज़्यादा प्लेयर्स निखर के आएंगे इंडिया ए, IPL, डोमेस्टिक लेवल, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। ये जो सरकार ने प्लान किया है कि 15 से 18 साल तक के बच्चों को टीका लगाया जाए, मुझे लगता है क्रिकेट में भी एंट्री करने की यही अच्छी एज होती है। जी जी, तो आपको लग रहा है कि इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे थर्ड वेव आ चुका है तो अब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए एक इंडियन टीम के प्लेयर हैं पूजा वस्त्राकर, अगर उनका ये कहना है कि ये एज ऐसी है जब बच्चों को अपना ध्यान रखना ज़रूरी है और इसीलिए ज़रूरी है कि सब टीका तो लगवाएं, लेकिन अपनी इंटरनल पावर को भी बढ़ाएं, और वो तभी संभव है जब अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और नियमित स्पोर्ट्स से जुड़े रहें, खेल खेलते रहें। जब तक अनुमति है खेलने की तब तक बच्चे ग्राउंड में रहेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।